सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपकी खुशी आपकी आजादी पर निर्भर होती है और आपकी आजादी आप कितने साहसी हैं इस पर निर्भर करती है। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। आपकी नाकामयाबी आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगनी ताकत से सफलता हासिल करने को प्रेरित करती है। आज का पंचांग 9 जुलाई 2023 दिन रविवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 7:29 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:28 से 7:09 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 9 जुलाई 2023 दिन रविवार, आज के दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकती हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीनीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। अपने किसी भी काम में दूसरे की मदद लिए बिना अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है, घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी। आपका आत्मविश्वास नई उम्मीद और आशाओं को जागृत करेगा। आपके प्रयत्न धीमी गति से फल देंगे। प्रयत्न बीच में रोकने की गलती ना करें। धीरे धीरे परिस्थिति में बदलाव हो सकता है। अंतिम निर्णय आपके पक्ष में और आपकी भलाई के लिए होगा, इसलिए असफलता से डरकर खुद के लिए रुकावट ना बने। काम की जगह मिल रहे नए अवसर पर ध्यान दे। काम शुरुआत में कठिन होगी लेकिन इसके जरिए पैसा और प्रसिद्धि भी मिल सकती है। रिलेशनशिप से जुड़े निर्णय पर टिके रहें। शारीरिक समस्या को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, अपने इर्द गिर्द के नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आएगी। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप भी ना करें। किसी भाई बंधु के व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां आने से आपको चिंता भी रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने अध्ययनरत और करियर के साथ समझौता ना करें। आप अपने रिश्ते में एक नए आयाम की तलाश करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर का व्यवहार हाल फिलहाल काफी उलझन भरा रहा है लेकिन आज शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप इस सूचना को कैसे लेते हैं। आपके लिए सुझाव यह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले गहराई से सोच लें। जो अकेले हैं उन्हें किसी भी नए आदमी के साथ अपना संबंध शुरू करने से पहले सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने आय और व्यय का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपने आय की वृद्धि के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्राथमिक कार्य बनने की क्षमता रखता है। इस बीच आपको अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के क्रम में कुछ खर्चों के साथ संतुलित रहना होगा। फाइनेंस संबंधित काम निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी लेकिन गतिविधियों को बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से करने की जरूरत है वरना थोड़ी सी गलती भी लाभ को हानि में तब्दील कर सकती है। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपनी
शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का उपाय, घर के सभी सदस्यों के माथे पर आज चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।